विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो जैसे ही कोई आपको गाली देता है, आपके आंखों के पीछे दोष मन खड़ा हो जाता है, दोष देखने वाला मन, दोष मन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले, सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो, लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें, अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने, बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं
और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले, सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे, बुराई की भी जो अच्छाई है उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें, सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाए, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाए, पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए, अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तपर्पण करें, ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो जैसे ही कोई आपको गाली देता है, आपके आंखों के पीछे दोष मन खड़ा हो जाता है, दोष देखने वाला मन, दोष मन।
आपका सच्चा दुश्मन कौन है? ये दुश्मन ही है, बाकी जिनको आप दुश्मन समझते हो दुश्मन नहीं है, जो पार्सल लेकर आते जो पार्सल लेकर आते वो दुश्मन नहीं है। आपकी आंखों के पीछे जो खड़ा हो जाता है जब पार्सल आता है जिसमें से अच्छी फीलिंग नहीं निकलती है, तो दुश्मन जागृत होता है। दुश्मन दुश्मन है, दुश्मन जागे तो तुरंत अमन साक्षी को खड़ा करना है। आंखों के पीछे तो अमन साक्षी भी आ सकता है, मगर दुश्मन को क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि उसकी हैबिट है, टेंडेंसी है। कुछ भी हुआ नहीं कि दुश्मन आ जाता है कि ये पर्सन ने किया, ऐसा किया, जानबूझ के किया, ये चोरी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, चोरी कर रहा है। अब अपना ख्याल रखोगे, ऐसे लोगों के साथ डीलिंग बंद करोगे जो धोखा देते हैं, वो सब करो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कॉमन सेंस के साथ समझ में आ गया ये पर्सन की वृत्ति ऐसी है, ये चोरी करता है, तो ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा व्यवहार नहीं रखना है। और घर पे आते हैं तो आप चीज़ें थोड़ा अंदर रख देते हो, कीमती चीज़ें हैं वो अंदर, तो अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। मगर ये जो अंदर बड़बड़ कर रहे हैं ना, जल बनकर, ये नहीं करना। ना बंदा खुद बंदा हुआ है, बंदा खुद बंदा हुआ, मेरे जीवन में आया है तो हिसाब किताब खत्म हो जाए, हिसाब किताब खत्म हो जाए। तो वो चोरी करके उसे पहले दे दो, ये चीज शायद लगेगी तुमको ललचाई नजर से देख रहा हो किसी चीज को, तो आप बोले ये चीज ले लो, लेकर जाओ, उसका भी खराब कर्म ना हो, आपका भी हिसाब किताब समाप्त। तो देखो क्या दे सकते हैं, हम कुछ तो दे ही सकते हैं ना, ऐसे नहीं कहा कि पूरा घर दे दो उसको। कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, क्योंकि अकेले आपका घर नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स भी है, सबका ख्याल रखना है आपको। मगर जो दे ही सकते हो, आपकी ही पेन थी तो अच्छा ले लो, ये पेन काम में आएगी तुमका। अगर वो पेन पर उसकी नज़र है तो दे दिया उसका, ताकि आगे आए नहीं। तो कॉमन सेंस रखो, मगर अंदर जो चल रहा है दुश्मन, दोष लगा रहा है, दोष दूसरों में है, इस विचार में दोष है, ये पंक्ति तो आप सुनते रहते हो। तो दुश्मन को हटा देना है, तुम्हारा कोई काम नहीं बचा। अभी कोई लकीर बनानी नहीं है तो उसका रोल कहाँ रहा? आप उसी पर्सन को रखते हो ना घर में, आपको घर की सफाई करवानी है तो आप रखते हो कुछ लोग घर की सफाई करें। अब वो पार्टी नहीं रहा तो आप कहोगे कि अभी जरूरत ही नहीं है, हिसाब किताब समाप्त, कल से मत आओ। तो ये वैसे ही हो जाएगा, दुश्मन का अभी तुम्हारा हिसाब किताब समाप्त, अभी हमें कोई लकीर बनानी नहीं है, पहले हम लकीरों की डिजाइन बनाते रहते थे, तो अभी जरूरत है नहीं, तब तुम्हारा रोल समाप्त। अब हम जलेबी बनाते नहीं है, तुम्हारा रोल समाप्त, पहले जो घुमाते रहते थे अब इसकी जरूरत रही नहीं है, तो तुम्हारा रोल समाप्त। तो दुश्मन चला जाए, दोष है ही नहीं, जो भी है अंदर ही है, जो भी दोष बचा है उसको ही साफ करना है। तो ये कन्विक्शन है, वरना कहेंगे कि ऐसे कैसे, क्या फिर एक एक घटना गिनाएंगे ना पूरे पृथ्वी पर क्या क्या नहीं हो रहा है, तो दोष तो दिखेगा, दोष ही दोष है, मगर हेलीकॉप्टर के एंगल से देखना होगा, व्यक्ति कितना लाचार है, वो कैसे बंधा हुआ है, कैसे प्रकृति अपने विकास में लगी हुई है, उसमें ये पर्सन या क्या, उससे कुछ को लेना देना ही नहीं, वो अपने विकास पथ पर लगी हुई है। एक सुनामी आती है, लाखों लोग समाप्त हो जाते हैं, वो अपने काम में लगी हुई है, बैलेंस कर रही है पृथ्वी, उसके लिए इंडिविजुअल ये रहता है, ये घर में रहता है, ऐसा कोई है ही नहीं प्रश्न। मगर इंसान के लिए, अपने लिए तो उसकी कहानी सबसे बड़ी कहानी है, वो अपनी कहानी का हीरो हीरोइन है, तो उसके लिए तो बहुत व्यक्ति जो है उसके लिए तो बहुत बड़ी पिक्चर है। मगर हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो प्रकृति कैसे अपना कार्य करते जा रही है, और आप दोष से मुक्त हो गए तो आप कैसे एंजॉय कर रहे, फिर आप प्रकृति के साथ, फिर आप हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।